नमस्कार, मैं राम विनय कुमार, घर कुकरी बिघात, दुल्हिन बाजार, प्रखंड, जिला पटना, बिहार का एक जैविक किसान। मैं किसान मित्रों को ये दिखा रहा हूँ, मैं ड्रिप के माध्यम से ये जो चल रहा है आप देख सकते हैं, इसको कभी कभी जाम कर जाने के बाद नल का टोटी खोलना पड़ता है। और इसमें चल रहा है डीकम्पोजर और सरसों की खली, जो आज से एक सप्ताह पहले 200 लीटर में 5 केजी में डाला था, और प्लस इसमें 15 केजी चावल का माड़ जो हर कोई घर में उपलब्ध है। और इसी से मैं ये मक्के का फसल जैविक जो कर रहा हूँ, इसी तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट, और ख़ासकर डॉक्टर कृष्ण चंद्रा सर का मैं आभारी हूँ, और जो इतने अच्छे उन्होंने हम लोगों किसानों के लिए जैविक प्रोडक्ट उत्पाद बना करके दिया, और इसी से बहुत किसानों ने फायदा उठाया। और विगत में 4 वर्षों से मैं भी ये काम कर रहा हूँ, और देख सकते हैं कितना अच्छा फसल मेरा। और मैं किसान मित्रों से कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग भी प्रयोग करें, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 2 केजी गुड़ में 1 एकड़ का खाद बनता है, और इसको विश्वास करके अपने खेतों में डालें, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। प्लस इसमें जो भी तत्व है, जैसे कार्बन, क्या क्या बहुत सारे तत्व जो होते हैं, सबकी पूर्ति करती है यह खाद। और मैं किसान मित्रों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसका प्रयोग करके देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके प्रति जो किसान जुड़े हुए हैं, वो तो इसका खासियत उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानते हैं। कारण है कि उन लोगों ने रिजल्ट लिया है, जैसे मैं आज 4 वर्षों से रिजल्ट ले रहा हूँ। ये मेरा इधर सूडान ग्रास लगा हुआ है, जानवर को खिलाने वाला चारा, थोड़ा पीला लग रहा है, मगर इसमें प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का खाद नहीं डाला गया है। देख सकते हैं पीला है, बगल में उधर हरा नज़र आएगा, मगर उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का लोग प्रयोग करते हैं। और मैं यहाँ पे दिखाते हुए और इसी के साथ कहना चाहूँगा किसान मित्रों कि आज जो सिक्किम राज्य है, उसमें एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं पाया गया। उसका मूल कारण है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि एकदम केमिकल फ्री स्टेट हो चुका है। और इसी के तहत मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा काम नहीं है, इसमें मेहनत नहीं है। जो पैसा हम लोग जा कर के दुकानदार को दे देते हैं केमिकल के नाम पे, वो चाहे तो बचा करके घर में यूज कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती कीजिए और स्वस्थ रहिए। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।